ऐतिहासिक आयोजन संवेदनशीलता जिम्मेदारी और जवाबदेही का पर्याय राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर जन की साथी हमदर्द सच्चे जनतंत्र की वाहक प्रदेश सरकार ऐसी सरकार जिसे परवाह है आपका इलाज अच्छे से अच्छा और मुफ्त हो ऐसी सरकार जिसे परवाह है बढ़ती महंगाई में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़नी चाहिए ऐसी सरकार जो सोचती है बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए आपके घर का बिजली बिल शून्य या बहुत कम कर देती है। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने को अग्रसर राजस्थान राज्य प्रगति की नई इबारत लिखने को उद्यत राजस्थान राज्य और माननीय मुख्यमंत्री जी से तो आइए एक बार फिर जोरदार तालियों से हम माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित मंच का स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं। और आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में हमारे सभी माननीय मंत्रीगण माननीय विधायकगण और 33 जिलों के साथ 16 जिलों से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारीगण और प्रशासनिक अधिकारीगण और राजस्थान के आवाम फेसबुक यूट्यूब और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी का हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं आज के इस लाभार्थी उत्सव में। और बारिश की मनोहारी बूंदों ने आज के इस समारोह को और अधिक खुशनुमा बना दिया है। राजस्थान के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ताक्षर देश को प्रगति के कई पायदान पर प्रदान करने वाले भारतीय जनमानस में शांत सौम्य गंभीर कर्मठ कर्तव्यनिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व की छवि रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी आपसे आग्रह अपना उद्बोधन अपना उत्प्रेरण हमें प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे यहाँ उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दत्तात्रेय जी हमारे साथी मंत्रिमंडल के प्रताप सिंह खजरवास जी आदरणीय दीप सिंह खेड़िया जी आलोक बेनीवाल जी श्रीमती गंगा देवी जी अमीन कागजी जी जोगिंद्र हवाना जी लाखन सिंह जी मीना संदीप यादव जी वाजिब अली जी धर्मेंद्र राठौड़ साहब मनोज मेघवाल जी श्रीमती मुनीर गुजर लक्ष्मण करवासा जी और पुष्पेंद्र भारद्वाज जी और भी हमारे साथी बैठे हुए हैं तमाम हमारे भाई और बहनों नौजवान साथियों मुझे खुशी है कि आज हम सब यहाँ पर यहाँ बैठे मुख्यमंत्री निवास पर ये प्रदेशवासियों का दिया हुआ है और मैं इस निवास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जिस उद्देश्य को लेकर हमने योजना बनाई थी वो सब आप जानते हैं कि जब से हमने फैसले किए जो वादे किए थे बजट घोषणाएं की थी उसी के अनुरूप आज राजस्थान में वो घोषणाएं पूरी हो रही है और 19 जिले बनाए हम लोगों ने जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से आने वाले वक्त में आप देखेंगे कितना फायदा मिलता है उनसे वो अपने आप में बड़ा फैसला था। आने वाले वक्त में जो हम कहते हैं 2030 तक राजस्थान मिशन राजस्थान विजन राजस्थान 2030 उसके भी अपने मायने हैं और उसी रूप में हम लोगों ने फैसला किया है कि जो वादे किए हैं वो निभाएंगे। आपको जानकर खुशी होगी मेरे पूर्व वक्ता प्रताप सिंह जी और दूता जी बोल चुके हैं मैं खाली आपको इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि मुझे इंटरेक्शन करना आप लोगों से बाद में काफ़ी टाइम लगेगा उसके अंदर इतना कहना चाहूँगा कि जो वादे हमने किए थे 10 वादे किए थे महंगे शिविरों के अंदर आपको जानकर खुशी होगी
आठ गारंटी दी थी, 10 गारंटी दी थी हम लोगों ने, और गारंटी दी वो संख्या है 1,80,00,000 परिवारों तक तो पहुंच गई है, 1,80,00,000 परिवारों तक पहुंच गई है जो कैंपों में आए हैं, और 7,50,00,000 गारंटी कार्ड उनको मिल गए मुख्यमंत्री के साइन से, आप देख लीजिएगा। और गारंटी का मतलब गारंटी है, 10 में से जो है 8 स्कीम हमें लागू भी हो चुकी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। खाली आपकी अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो है वो 15 अगस्त से हम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमने वादा किया था उसके अंदर। और पशुधन बीमा जो है वो उसकी गारंटी हम लोग बाकी 4 इंश्योरेंस कंपनी से जल्दी पूरी करेंगे। बाकी तमाम गारंटियां जो आपको दी गई थी गैस सिलेंडर की, जिसके लिए आप आज इस प्रोग्राम जुड़े हैं, या निःशुल्क बिजली हो, 100 यूनिट बिजली हो, 2,000 यूनिट किसानों के लिए हो, और महात्मा गांधी के नाम नरेगा में हमने 125 दिन कर दिए हैं, शहरी रोजगार योजना हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आप कल्पना कीजिएगा कि पेंशन जो है, पेंशन अपना आपके अंदर जिस रूप में हम लोग बांट रहे हैं, एकल नारी को, विधवाओं को, बुजुर्गों को, निःशक्तजनों को, वो लगभग 1 करोड़ लोग हैं प्रदेश के अंदर। हमने अभी मिनिमम उनका 1,000 कर दिया है गारंटी, और शायद आपको मालूम पड़ा होगा उनके लिए असेंबली के अंदर कानून बन गया है, मिनिमम गारंटी कानून बन गया है। इसका मतलब है कि मिनिमम गारंटी एक्ट पहला है राजस्थान में, राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर मिनिमम गारंटी एक्ट बना है। उसके मायने है कि जो योजना है धीरे धीरे हम लोग उसमें डालते जाएंगे, चाहे पालनहार योजना है, 6 लाख बच्चे, छोटे बच्चे अनाथ हैं, 6 लाख बच्चे किसे कहते हैं, उनको हम लोग घरों में रखते हैं, चाहे उनके दादा दादी हो या बाप पिताजी नहीं रहे तो माता जी उनकी है, नानी है, पालती है। तो छोटे बच्चे अगर बिगड़ जाते बचपन से, संस्कार नहीं मिलते उनको, तकलीफ रहती तो क्या बीतती। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उसको वक्त आएगा कि हम लोग उसको भी मिनिमम गारंटी, मिनिमम इनकम में डाल देंगे, जिससे कि कम से कम इस प्रकार स्कीम हम डालते जाएंगे। तो आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी आए हुए हैं और जिस प्रकार से वो अपनी राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, ये उनकी 6ठी यात्रा है राजस्थान में, 5वीं 6ठी यात्रा है। यात्रा के यात्रा तो करनी राजनीतिक, बहाना करते हैं, कभी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हैं जो काम राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार जो पैसा देती है जो कोई एहसान नहीं करती है। हम आपको जो 1,150 सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, 10 स्कीम दे रहे हैं, हम कोई एहसान नहीं करें आपके ऊपर। ये जनता का हक है कि सरकार जो भी हो वो जन कल्याणकारी योजना चलाए, राज पहुंचाए, जैसी स्थिति बनती है। महंगाई का जमाना आ गया तो हमने ये योजना लागू कर दी, जिससे कि लोगों को राहत मिले, बचत होगी परिवारों में, महिला बचत करेगी तो बच्चों का अच्छे ढंग से लालन पोषण करेगी, इस थीम से हमारी स्कीम बनती है। जिस रूप में इन्होंने जो बदनाम करने की कोशिश करी इन योजनाओं को भी, मैं समझ के पड़े कि ये योजना जो है, ये योजनाएं किस रूप में, ये कहते हैं कि रेवड़ी बांट रही सरकार, रेवड़ी बांट रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने जो गुड गवर्नेंस दी है, सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं, आज घर घर में चर्चा है शिक्षा में, जो कॉलेज जो मुझसे मांगा, कॉलेज हो या स्कूलें हो या अस्पताल हो, PHC CHC तहसील खोलनी हो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से पहली बार मैं समझता हूँ कि जो काम इन 5 साल में हुआ है, आम लोग मानते हैं कि ऐसा पहले कभी आज तक इस जिले में नहीं हुआ था।
उसे घबरा करके अब अटैक करने लगे सरकार पर ही वो लोग, हर बात को बताते रेवड़ी बट रही चुनाव के अंदर। उनकी सरकारें क्या करी मध्य प्रदेश के अंदर, जो सरकारें अपने बैठ पे स्कीम चलाती हैं उनको कैसे कैसे आप रेवड़ी बट रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हालात जो है आपके सामने हैं, हमारी एक से एक योजना सब लागू हो रही है और पीएम ने भी मैंने सुना है कि भाषण दिया वहां पर सीकर के अंदर एक लाल डायरी का। अब बताइए आप, ये जो प्रधानमंत्री पद की बहुत बड़ी गरिमा है, सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है, क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानपुर करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोरा बनाया गया और 50,000 डायरियां लड़ाई गई असेंबली के अंदर, कल मैंने सुना पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाई गई डायरी है 50,000, तो क्या इतने घबरा गए हैं मोदी जी और इनकी पार्टी बार बार यहाँ पर आ रहे हैं? वो तो कोई दिक्कत नहीं, राजनीति में आना ही चाहिए, चाहे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, कोई भी हो, उन्हें पार्टी देता है। पर धावा बोला राजस्थान के ऊपर, यहाँ पे मतलब अत्याचार हो रहे हैं, यहाँ पे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, यहाँ पे करप्शन हो रहा है, सबसे अधिक छापे कहीं पड़े हैं देश के अंदर तो राजस्थान के अंदर हमारी एंटी करप्शन ब्यूरो ने डाले हैं, ये गवाह है, रिकॉर्ड है इसके अंदर, सब जानते हैं बात को। उसके बावजूद भी ये लोग जिस प्रकार से जानपुर के सरकार को चुनाव हारे 3 महीने बाद में, चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है उसको लेके इतने घबरा गए कि घबरा बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं, उसमें लाल डायरी लेके आगे प्रधानमंत्री जी। मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी असली लूट तो आपने योजना बनाई उज्ज्वला की, और एक अभी कह रहे थे आपको अध्यक्ष जी और प्रताप सिंह जी की आपने श्रेय दिया उनको, उनको लगा कि तो बहुत हमें एक प्रकार से बहुत ही सस्ते दामों में गैस सिलेंडर मिलेगा, कीमत बढ़ाने पर 1,150 रुपये कर दी उसकी। क्या कोई गरीब आदमी जिनको आपने फ्री सिलेंडर दिया था स्कीम के अंतर्गत, स्कीम उनकी है, हमारी स्कीमों को बंद करते हैं बार बार, हम सरकार में आते हैं तो कभी उनकी स्कीमों बंद नहीं करते। आप देखिए स्कीम उनकी थी परंतु हमने 500 रुपये सिलेंडर तय क्यों किया, उनको खुशी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, उनका मीटिंग बोलना चाहिए था सीकर के अंदर कि मैंने सुना है कि जो योजना मैंने लागू की थी उज्ज्वला योजना, और जो उद्देश्य लागू की थी कि महिलाएं तकलीफ आती है, धुआं होता है, फेफड़े खराब होते हैं, सोच करके मैंने योजना बनाई, मुझे खुशी देश में एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने उस सिलेंडर को 500 रुपये में करने का साज किया है, ये कहना चाहिए था उनको। उनकी बात नहीं करेंगे, वो उनकी बात नहीं करेंगे। तो असली लूट तो मैं समझता हूँ असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1,150 रुपये करके मचा रखी है, लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को, सिलेंडर का रंग लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपये हो गया है, लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कपूर कल्पित डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं थी, उसको लेके राजनीति हो रही है, उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए, लाल टमाटर लाल है, और महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हैं कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूँ, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव आ रहे इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है सीकर के अंदर, तो जनता समझ गई है और आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। ये जो लाल झंडी लाल दिहाड़ी की बात करके जो षड्यंत्र किया गया है सरकार के खिलाफ में, असेंबली के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, कहाँ तो मणिपुर, कहाँ राजस्थान, पूरा प्रदेश गवाह है। आज करीब 3 महीने हो गए वहां पर, 80 दिन ज्यादा दिन हो गए वहां पर,
मणिपुर के अंदर, वहां पे कितना अत्याचार हुआ है, महिला बलात्कार हुए हैं, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर बदनामी हो रही है हमारी, और जिस रूप में वहां पर लगातार मारकाट मची हुई है, अपने मारे एक दूसरे को, पुलिस तमाशबीन बनी हुई है, उसको लेकर जब नेशनल मीडिया ने जैसे ही वो वीडियो बताया जो वहां पर रेप का हुआ, निर्भया कांड से भयंकर रेप था वहां पर, जो दो बच्चों के साथ किया गया, उससे घबरा करके जिस रूप में अपनी टोन बदली गई, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, घबरा करके प्रधानमंत्री को पहली बार मीडिया के सामने जाके बोलना पड़ा, और मुझे दुख इस बात का है, पूरे प्रदेशवासियों के स्वाभिमान पे चोट करी है। जब प्रताप सिंह जी ने कहा, क्या बताइए, कहा तो बड़ी बुरी घटना है, आप यहां भी राजनीति करने नहीं चुके, और आपने क्या कहा कि मणिपुर के अंदर जो है, मैं मुख्यमंत्रियों को, मतलब मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुलना कर दी राजस्थान के मुख्यमंत्री से, मणिपुर की मुख्यमंत्री चिंता तुलना कर दी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, तीन राज्य के नाम लिए। मैं चाहूंगा तमाम मुख्यमंत्री मणिपुर के, पहला नाम लिया राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, फिर लिया मणिपुर का, वो चाहिए वहां पे महिला अत्याचार नहीं हो, उन्हें रक्षा करे। आप बताइए, वो हमारे स्वाभिमान पे चोट थी, वो भी ये जो हालात जैसे बने, इनको समझने की जरूरत हम लोगों को। और मैं कहना चाहूंगा, जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा कि ये जो हम लोग 500 रुपए में करने की हिम्मत दिखाई है, धीरे धीरे अन्य राज्यों को आगे आना पड़ेगा। मैंने सुना दो राज्य तो आगे आ चुके हैं, उनको 500 रुपए करना पड़ा सिलेंडर, भारत सरकार को चाहिए उल्टा। जो योजना प्राइम मिनिस्टर की है, वो योजना कमजोर कैसे हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, उनकी खुद की योजना है, खुद ने प्रचार किया देश भर के अंदर, उस योजना में बजाय राज्य सरकार ने अपना खर्चा लगाया उसके ऊपर, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। आप बताइए, सब मिलाकर के अभी तक तो हम 50 लाख, आज मिलाकर के 50 लाख महिलाओं को 215 करोड़ रुपए ये देंगे, अभी जब डीबीटी होगी तब। आप बताइए कि ये भार हमारे ऊपर क्यों आए? आपको लेना चाहिए भार, और खुद जानते हैं महंगाई जमाना है, क्या हालात हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग दिमाग में रखें कि किस प्रकार से आने वाले वक्त में हम लोग ये जो प्रचार कर रहे हैं, मुझे और कोई बात नहीं, राजस्थान के लोगों का मनोबल टूटता है जब मीडिया में आती खबरें सत्यता नहीं होती उसके अंदर, तो लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं, राजस्थान में हमने सरकार बनते ही FIR कंपल्सरी करी मैंने पहली बार। उस दिन मैंने कहा था थानों के अंदर पहले सुनवाई होती नहीं थी, सर्वोत्कृष्ट बनाए, और साथ में FIR को अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा जाने जब फरियादी जाएगा वहां पर। इतना क्रांतिकारी फैसला, तब भी मैंने कहा था इससे संख्या बढ़ जाएगी, और मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है लोगों को न्याय कैसे मिले, ये सोच करके हम लोगों ने फैसला किया। उसी का दुरुपयोग हमारे खिलाफ में वो लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग दिमाग में रखें, और अभी हम बैठे बात करेंगे कुछ साथ आप महिला बहनों से, बेटियों से, वो क्या सोचती है, और कोई और उनका अनुभव हो, कोई डिफिकल्टी आ रही हो लेने के अंदर, क्या सिलेंडर या DBT टाइम पे नहीं हो रही है, क्योंकि DBT होती है टेक्निकल होती है, IT की वेस्ट होती है, कई बार कुछ परसेंटेज को मिलती नहीं है DBT का पैसा, तो वापस सूचना आ जाती है हमारे पास में, फिर वापस हम लोग उसको पेमेंट कर देते हैं, उसमें देरी हो सकती है, पर कोई घबराने की बात नहीं है, जो वादा किया हम लोगों ने, जो गारंटी दी है वो पूरी करके रहेंगे, यही बात करता हूं मैं, अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ऐसी संवेदनशील सरकार जो गरीब की रसोई में घुसकर उसकी रसोई का हिसाब ठीक कर रही है, हर महीने के 1150 की टंकी से पत्थर जैसे बोझ को हटाकर आपका बजट बैलेंस कर रही है, ऐसी सरकार जैसे चिंता है कि प्रदेश की BPL गृहणियां, माँ बहने महंगी गैस की टंकी का खर्चा बचाने के लिए लकड़ियां फूंक फूंक कर अपनी आंखें और फेफड़े ना फूंक लें, सचमुच
संवेदनशीलता और सच्चे जनतंत्र के नए प्रतिमान गढ़ रही है राजस्थान सरकार। जालौर 4,26,00,000 रुपए, झालावाड़ 5,14,00,000 रुपए। जालौर के बाद झालावाड़, सांचौर, जिला सांचौर। हाँ हेलो, मैं प्रवीणा देवी। प्रवीणा देवी बोलिए। प्रवीणा देवी, प्रवीणा देवी बोलिए। बोलिए बोलिए। हाँ, पहला 1100 रुपये में टंकी मिलती थी, अब 500 रुपये मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वेरी गुड। हाँ, और 25,00,000 रुपये दवाई फ्री, वो भी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अच्छा लगा बात करके आपसे, बहुत अच्छा लगा। सांचौर को जिला बनाए और बहुत बहुत धन्यवाद। ओ, श्री केशव देवी जी, केशव देवी। हेलो सर, नमस्कार। मुकेश देवी बोलो। हाँ बोलो, केशव देवी जी। जो हमारा गैस कलेक्शन मिला 500 में, सब्सिडी मिल गई, धन्यवाद। आप मेरे से 1,000 रुपया जीरो बना दो, धन्यवाद। अच्छा जो आपको अच्छा लग रहा है, मन अच्छा लगे हुए आप भरे मुझे जगो जग जीवता रह दो, जगो जग जीवता रह दो, मेरे भरे यार हमल कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एमएलए साहब कहाँ हैं? मारे बेटा एक तो साहब मोपी है, पास हुआ ब्रांड, एक बेटा है मारे बे पोत्र नैन को है। अरे आपके सुखराम जी कहाँ हैं एमएलए साहब? मंत्री जी कहाँ हैं आपके? सुखराम जी मंत्री, महिला को बढ़ाएंगे। सुखराम जी अच्छे हैं। कहाँ हैं वो? मंत्री जी कहाँ हैं? मंत्री सुखराम जी अच्छे हैं। कहाँ हैं वो? अभी आए नहीं। वो कभी नहीं आता। आए नहीं थे, ठीक है, कोई बात। मीटिंग में नहीं आए। चलो नमस्कार कहना मेरा उसको, ठीक है, ओके। अब लाइट।